गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू धर्म स्टडी, संकल्प हमारा भविष्य आपका। कि आज के एपिसोड में आज आप करंट अफेयर 3 सितंबर के करंट अफेयर देखेंगे। 3 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सब का मैं संकलन आप लोगों के सम्मुख लेकर आया हूं। प्रीवियस वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग सभी सोशल साइटों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं 3 सितंबर के करंट अफेयर का मैं प्रथम क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ विनर विजेता भी बनिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ ICARIIRH बीज पोर्टल का एकीकरण किसने शुरू किया? प्रश्न को मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं लाइव उनसे मेरा आग्रह है आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी, और कम से कम 5 ग्रुपों में अवश्य शेयर कीजिएगा, ये आपका थैंक यू होगा। तो प्रश्न को मैं रिवाइज करता हूँ। हाल ही में SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ ICARIIRH बीज पोर्टल का एकीकरण किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बीज पोर्टल का एकीकरण का शुभारम्भ किया। तो ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित मैं पॉइंट आप लोगों के सम्मुख लेकर आया हूँ। SBI योनो से अब बीज पोर्टल भी जुड़ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICMR के तहत आने वाली भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलोर के बीज पोर्टल का स्टेट बैंक योनो कृषि ऐप के साथ शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दोनों ऐप के एक साथ आने से देश के किसान अब डिजिटल माध्यम से बीज खरीद से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं और बैंक की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में महिला युगल की स्वर्ण पदक विजेता अयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट कर देते हैं। हाल ही में महिला युगल की स्वर्ण पदक विजेता अयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन में इनका काफ़ी ज़्यादा महानतम कार्यों में से एक कार्य है। तो ध्यान दीजिएगा क्या वो कौन सा कार्य है, पॉइंट के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जापान को बैडमिंटन में पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाली अयाका ताकाहाशी ने 30 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 30 साल की उम्र में। जापानी महिला बैडमिंटन की युगल विशेषज्ञ खिलाड़ी ताकाहाशी ने माओत्सुतोमो के साथ मिलकर ध्यान दीजिएगा, मात्सुतोमो के साथ मिलकर, इनका नाम थोड़ा सा टिपिकल है आप लोग याद कर लीजिएगा, 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की क्रिस्टीना पेडसर्न और कामिला रिट्टर जुहल को हराकर महिला युगल का स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान दीजिएगा, रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था। रियो ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में, ब्राज़ील, रियो डिजेनेरियो जिसकी राजधानी है। तो नोट करते रहिएगा आप लोग, पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न रिपीट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? तो ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे संबंधित, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ध्यान दीजिएगा इसको नोट करिएगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, दो मंत्रालय इनके पास है, पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया। इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स NCOG
जिसका नाम है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ENEGD इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स VISAG द्वारा किया जा रहा है। ध्यान लीजिएगा, इसको पॉइंट को आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज करके पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो टिपिकल नाम हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जिससे भूले ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग से आशा करते हैं आप लोग जरूर नाम को नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी और HDFC बैंक ने डिजिटल ग्राहक अनुभव को बढ़ाने की साझेदारी की है? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी और HDFC बैंक ने डिजिटल ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो एडोब। तो ध्यान दीजिएगा, एडोब ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो HDFC बैंक ने डिजिटल ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पॉइंट यहाँ पर फॉल्ट है। नेक्स्ट, अब प्रश्न क्यों चलते हैं। हाल ही में CISEF ने अपने पेंशनरों के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर कौन सा मोबाइल ऐप बनाया? तो ध्यान दीजिएगा, पेंशनर्स कॉर्नर। कौन सा मोबाइल ऐप बनाया? हाल ही में CISEF ने अपने पेंशनरों के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर कौन सा मोबाइल ऐप बनाया? तो पेंशनर्स कॉर्नर ऐप बनाया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISEF ने शुक्रवार को अपने पेंशन भोगियों के लिए मोबाइल ऐप जारी किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि बल के एक प्रवक्ता ने कहा, यह ऐप वेब और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इसमें पेंशन भोगियों को अपने डेटा तक पहुंच की सुविधा मिलेगी। तो CISEF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका फुल फॉर्म है, आप लोग फुल फॉर्म भी नोट करिएगा CISEF का। तो आशा करते हैं आप लोगों को पॉइंट अच्छा लगा होगा, आप लोग नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना के शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने राज्य के कितने जिलों में सरकारी स्कूली छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज का पोस्टर लॉन्च किया है? प्रश्न को रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में तेलंगाना के शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने राज्य के कितने जिलों में सरकारी स्कूलों छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज का पोस्टर लॉन्च किया है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य के कितने जिलों में सरकारी स्कूलों छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज का पोस्टर लॉन्च किया है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरों का 33 पॉइंट है। तेलंगाना के शिक्षा मंत्री, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के इसलिए चर्चा में कि पूछा जा सकता है तेलंगाना के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। तो सविता इंदिरा रेड्डी ने शुक्रवार को राज्य के सभी 33 जिलों में सरकारी, अभी आपका एक प्रश्न और क्लियर होता है, कितने जिले हैं तेलंगाना में? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 33, राज्य के सभी 33 जिलों में सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज का पोस्टर लॉन्च किया है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल NDCTIO को किस संगठन ने लॉन्च किया? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को मैं रिवाइज कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल NDCTIO को किस संगठन ने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित पॉइंट जो है, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ सहयोग नेशनली डिटरमाइंड, ध्यान दीजिएगा, कंट्रीब्यूशंस, इसको भी आप लोग यहाँ ध्यान दे सकते हैं, एशिया के लिए परिवहन पहल ट्रांसपोर्ट इनिटिएटिव फॉर एशिया भारत घटक, इसका फुल फॉर्म यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत घटक की वर्चुअल रूप से शुरू किया जाएगा। यह भारत में गैर कार्बनीकरण परिवहन के लिए हितधारकों के लिए संवाद मंच की शुरुआत भी करेगा। साथ ही नीति आयोग NDCTIO के भारत घटक के कार्यान्वयन का
भागीदार भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, आप रिवाइज करके पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। कलम और कापी लेकर ज़रूर आप लोग डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में ज़रूर देखा कीजिए। धर्म स्टडी का जो टारगेट है आप लोगों करंट, उसके बाद और भी सारी क्लासें आप लोग प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मॉर्निंग में करंट आप लोग ज़रूर पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बिना प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। पॉइंट है, 28 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची VI अर्थात 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, 6वीं अनुसूची किसके लिए, स्टेट का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय, किसकी, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान करती है, विशेष दर्जा इनको प्रदान करती है। नोट कीजिएगा पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न को चलते, भारत ने कब पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत ने कब पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी जल्द ही ऐसा हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा 30 अगस्त 2020। 30 अगस्त 2020 को भारत ने शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया, किस देश के साथ, रूस के साथ। इसमें साझेदार के रूप में विजेता इनको बनाया गया है। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, आपका क्लियर होगा, भारत ने रविवार को शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रच दिया। ऑनलाइन हुए शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बना, हालांकि भारत को रूस के साथ संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है। दरअसल रूस के खिलाफ खेला जा रहा फाइनल मुकाबला जो है इंटरनेट कनेक्शन टूटने के बाद पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। किस कारण इसमें बाधा आई थी, इंटरनेट कनेक्शन टूटने के कारण जो है बाधा आने के कारण फाइनल मुकाबले को क्या किया गया, साझेदारी के रूप में विजेता घोषित किया गया भारत और रूस को। किस तारीख को, 30 अगस्त 2020 को। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहली बार भारत ने जीता है। नेक्स्ट, आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सम्मुख में ला रहा हूँ, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में चेतन चौहान जी का कोरोना से डेथ हो गई, जो पूर्व में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रह चुके हैं और काफ़ी चर्चित स्थान इनका था खेल जगत में। तो ध्यान दीजिएगा, इनका अभी हाल ही में मृत्यु हुआ कोरोना काल के चलते हुए, अर्थात कोरोना से ये ग्रसित थे। और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा, जितने आप लोगों ने टॉप 10 प्रश्न देखे मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आप लोग अंत तक देखें। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, फेसबुक का ग्रुप पेज दिया गया उससे जुड़िएगा, ट्विटर से आप लोग जुड़िएगा, इंस्टाग्राम से जुड़िएगा, आप लोग जितने भी सोशल साइटें दी गई हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब से जुड़िएगा। किसी प्रकार का यदि फिर भी अड़चन रहता है तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। टारगेट आप लोग डेली रखिए मॉर्निंग में, एक ऐसा टारगेट जिससे आपका भविष्य सुनहरा हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अब मैं विजेता प्रश्न आज का जो आप लोगों के सम्मुख है, अर्थात 3 सितंबर का विजेता प्रश्न आप लोगों के सम्मुख मैं रख रहा हूँ। कम से कम 5 लोग जरूर बताएं विजेता प्रश्न का उत्तर, तभी मैं विजेता प्रश्न का जो प्रीवियस का रहेगा उसको मैं क्लेरिफाई करूँगा। ऐसा हो नहीं पा रहा है, सिर्फ अनुपम वर्मा जी एक ऐसी छात्रा हैं जिनके माध्यम से बराबर क्वेश्चन मिल रहे हैं, वेद प्रकाश तिवारी जी के माध्यम से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो प्रिया यादव के जी के माध्यम से क्वेश्चन मिल रहे हैं, और बाकी सब लोग जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं, तो ये खेद का विषय है। आप लोग ऐसा ना करें, कम से कम 5 लोग और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसे पता चले, क्योंकि वीडियो को काफ़ी
सघनता के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का विजेता प्रश्न है 3 सितंबर का विजेता प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा पूरी तरीके से तन्मयता के साथ आप लोग बताइएगा। हाल ही में अर्चना महंता जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को मैं रिवाइज कर देता हूँ। हाल ही में अर्चना महंता का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।